स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं संसद में आज की सुर्खियों के साथ। राज्यसभा के एजेंडे में आज चार अहम विधेयक। सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2018 होगा पेश। सूचना आयुक्तों के लिए वेतन भत्ते और सेवा शर्तें होंगी तय। राज्यसभा के एजेंडे में मोटर यान संशोधन विधेयक। यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे पारित कराने का प्रस्ताव। भ्रष्टाचार पर रोक की तैयारी। राज्यसभा में भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 पर होगी आगे की चर्चा। प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन विधेयक पर भी होगा विचार। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक पर लोकसभा में आज भी चर्चा रहेगी जारी। फरार आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। पारित होने के बाद विधेयक अध्यादेश की लेगा जगह। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। दोनों सदनों में आज भी कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार होना है। राज्यसभा के एजेंडे में आज चार विधेयक शामिल हैं। वहीं लोकसभा की बात करें तो वहां भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक समेत कई अहम विधेयकों पर चर्चा होनी है। इसके अलावा दोनों सदनों में संसदीय समितियों की रिपोर्ट समेत कई अहम पत्र भी आज पेश किए जाएंगे। राज्यसभा में आज भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 पर आगे की चर्चा होगी। 4 अप्रैल 2018 को कार्मिक लोक शिकायत मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। कार्मिक लोक शिकायत मंत्री जितेंद्र सिंह राज्यसभा के प्रवर समिति की ओर से प्रतिवेदित रूप में विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए 1988 के कानून में बदलाव किया जाना है। साथ ही भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव है। इसके तहत सजा की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 7 साल की गई है। अब न्यूनतम 6 महीने के बजाय 3 साल और अधिकतम 5 साल के बजाय 7 साल सजा होगी। 7 साल की सजा होने पर भ्रष्टाचार गंभीर अपराधों की श्रेणी में आ जाएगा। भ्रष्टाचार के मामलों के जल्द निपटारे के लिए 2 साल की समय सीमा तय करने का भी प्रावधान है। कुर्की का अधिकार जिला अदालत के बजाय सुनवाई अदालत यानी विशेष जज को सुपुर्द करने का भी प्रावधान है। सरकारी कर्मचारियों का जानबूझकर रईसी का दिखावा आपराधिक कदाचार माना जाएगा और बेहिसाब संपत्ति को अवैध रईसी का सबूत समझा जाएगा। और इस समय हम सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह का। अरविंद जी, कल जिस तरह से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है उसे शानदार कहा जा सकता है और पहले दिन के बाद अब उम्मीदें भी बढ़ गई हैं कि पूरे सत्र में फलदायी और सकारात्मक कामकाज और चर्चा देखने को मिलेगी। आज चार अहम विधेयक हैं। अगर पहले भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक की बात करें तो कितना अहम ये विधेयक? देखिए प्रीति, ये वाकई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और पिछले काफ़ी समय से इस बात की चर्चा रही है, खासतौर पर कि भ्रष्टाचार से कैसे निपटा जाए। उसके लिए जो मौजूदा कानूनी प्रावधान है वो नाकाफ़ी हैं और इसीलिए जो है इस पर काफ़ी लंबा मंथन हुआ है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये 2013 में ये 19 अगस्त 2013 को ये राज्यसभा में पुरस्थापित किया गया था। तब से लगातार जो है इस पर, तो ये जो है अगर ये आ जाता है, मैं इसमें बताना चाहूँगा प्रीति की ये जो विधेयक आज तीनों हैं ये इस पे तो पूरा देश जो है एक तरह से इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग मामलों में, खासतौर पर जो मोटर व्हीकल का भी है, भ्रष्टाचार का है और ये जो मॉन्यूमेंट्स का है, ये तीनों विधेयक ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इन पे जो है अगर आप देखेंगे, मोटर व्हीकल का भी अगर आप देखेंगे तो इस पे जो है प्रवर समिति जो है वो बैठी, उसने काफ़ी लंबा आत्ममंथन किया, गहन मंथन किया और रिपोर्ट दी। और उसके पहले भी उस पर काफ़ी एक्सरसाइज हुई है, पूरा एक नेशन वाइड डिबेट हुई है। तो मुझे लग रहा है कि कुल मिला के ये महत्वपूर्ण विधेयक है। इनको पारित होने से जो है बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो आएंगे और खासतौर पर भ्रष्टाचार से निपटने में जो है काफ़ी मदद मिलेगी प्रीति। बिल्कुल बिल्कुल, और आज ये राज्यसभा के एजेंडे में है। अरविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। राज्यसभा में आज सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2018 भी पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह इसे सदन में पेश करेंगे। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऐसे प्रावधानों को सक्षम बनाना है जिनके तहत मुख्य सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतनमान, भत्ते और सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाए जा सकें। इस समय सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत
ऐसा कोई भी प्रावधान उपलब्ध नहीं है। फिलहाल हम रुक करेंगे फिर से अरविंद कुमार सिंह का। अरविंद जी, दूसरा जो आज विधेयक पेश किया जाना है वो है सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक। कितना मजबूत होगा जो इसमें प्रावधान किए जा रहे हैं, अब उसके जरिए कितना मजबूत होगा ये विधेयक? अब देखिए पीटी, जब ये सूचना अधिकार कानून बनाया गया उस समय ये जो पहलू था इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया था, खासतौर पर जो इस पूरे प्रक्रिया को चलाते हैं, संचालित करते हैं, जो सूचना आयुक्त हैं, इनके मतलब वेतन भत्तों से लेकर सेवा शर्तों से संबंधित जो कानून है उसको बना करके इस पूरे ढांचे को एक नई मजबूती देने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही। हालांकि आपने देखा होगा कि खासतौर पर जो सूचना अधिकार कानून में और भी तरह के संशोधनों की बातें उठी हैं, लेकिन फिलहाल ये इस तरफ जो है, जब ये मामला उठ रहा है तो मुझे लगता है कि ये विधेयक चूँकि प्रस्तुत किया जा रहा है तो उम्मीद की जाती है जब ये पारित होते समय आएगा तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो इस पर आएंगे। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक है और काफ़ी समय से इसकी मांग हो रही थी, तो मुझे लगता है कि इस बहाने जो है वो सारी मांग को पूरा किया जा सकेगा। प्रीति, बिल्कुल, और चर्चा में तमाम सुझाव भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा आगे अगर एजेंडे की बात करें तो राज्यसभा में आज मोटरयान संशोधन विधेयक 2017 पर भी विचार होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 1988 के कानून का और संशोधन करने वाले विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा की प्रवर समिति ने इस विधेयक की पड़ताल के बाद कई अहम सुझाव दिए हैं। विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और हिट एंड रन मामलों के लिए 2,00,000 रुपये का मुआवजा शामिल है। सड़क दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में 10,00,000 रुपये तक के मुआवजे का प्रावधान विधेयक में किया गया है। विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। राज्यसभा में आज संस्कृति मंत्री महेश शर्मा प्राचीन संस्मारक पुरातत्वीय स्थल और अवशेष संशोधन विधेयक 2018 विचार और पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा से यह विधेयक पारित हो चुका है। वही बात अगर लोकसभा की करें तो आज भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 पर आगे की चर्चा होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कल इस पर विचार और पारित कराने का प्रस्ताव सदन में रखा था। भगोड़ा आर्थिक अपराध में उन अपराधों को शामिल किया गया है जिसमें कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी विदेश भाग जाते हैं। कोर्ट से भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद ऐसे आरोपियों की पूरी संपत्ति जब्त करके नीलाम की जाएगी, साथ ही उसकी बेनामी संपत्तियां भी जब्त कर ली जाएंगी। इसके अलावा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव है। विधेयक में कई सख्त प्रावधान हैं। जब तक मामले का फैसला नहीं हो जाता आरोपी इसे चुनौती नहीं दे सकता है। इसे नए के साथ पुराने आरोपियों पर भी लागू किया जाएगा। बकाया राशि की तेज वसूली के लिए विशेष कोर्ट का गठन किया जाएगा। बिल में आर्थिक अपराधों की सूची होगी और इसके दायरे में 100 करोड़ से ऊपर के घोटाले या धोखाधड़ी के मामले आएंगे। ये विधेयक अध्यादेश की जगह लेगा। राज्यसभा में आज कई मंत्रालयों के पत्र पेश किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अंतरिक्ष मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। कृष्णपाल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। राज्यसभा में आज संसदीय स्थायी समितियों के प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखे जाएंगे। माजिद मेनन और डी राजा कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। साथ ही विजयपाल सिंह तोमर और प्रेमचंद गुप्ता रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। इसके अलावा शमशेर सिंह ढुल्लो और जावेद अली खान ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2017-18 का प्रतिवेदन पेश करेंगे। साथ ही शमशेर सिंह ढुल्लो और जावेद अली खान ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2017-18 का विवरण भी पेश करेंगे। भुवनेश्वर कालिता और सुखेंदु शेखर राय लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। वहीं लोकसभा में भी आज कई मंत्रालयों और विभागों से संबंधित पत्र पेश किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे।
राधाकृष्णन पी पोत परिवहन मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। राज्यसभा में आज कई अहम मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे और संबंधित मंत्रालय के मंत्री इसका जवाब देंगे। आइए एक नजर डालते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले अहम सवालों पर। सदन में प्रश्नकाल की शुरुआत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद संजय सिंह पूछेंगे कि पिछले 3 साल के दौरान मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अमृत के तहत केवल 19.2% केंद्रीय सहयोग राशि जारी की है। सांसद रीता ब्रता बनर्जी का सवाल महिला और बाल विकास मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार ने राज्य भर में छात्राओं को साइकिलें बांटने की योजना शुरू की है। सांसद विजला सत्यानंद का सवाल विदेश मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगी कि सरकार ने मोबाइल फोन ऐप के माध्यम से पासपोर्ट के लिए एक आवेदन की शुरुआत की है। सांसद डी कुपेंद्र रेड्डी का सवाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि हाल ही में 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के CBSE के प्रश्नों के लीक होने से संबंधित मामलों के अनेक समाचार प्रकाशित हुए हैं। सांसद जावेद अली का सवाल विदेश मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने पड़ोसी देशों खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की घटनाओं का संज्ञान लिया है। सांसद छाया वर्मा का सवाल महिला और बाल विकास मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगी कि देश में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है। इसके अलावा सदन में प्रधानमंत्री, परमाणु ऊर्जा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अंतरिक्ष, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन और जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ संसद में आज में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।